बागपत में पंचायत के तुगलकी फरमान सुनाने का मामला शांत नहीं हो रहा है। एक के बाद एक तुगलकी फरमान सुनाकर पंचायत कानून व्यवस्था का पलीता लगा रही है। ताजा मामला शहर कोतवाली के सिसाना गांव का है, जहां छेड़छाड़ के मामले में जेल में बंद आरोपी की रिहाई के लिए गांव में पंचायत का आयोजन किया गया। पंचों ने आरोपी युवक के परिवार पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया, साथ ही आरोपी युवक के पिता के सिर पर चप्पल रखवाकर उससे माफी भी मंगवाई। वही जुर्माना और माफी मंगवाने के बाद पंचों ने आरोपी के पक्ष में पीड़ित महिला से फैसला नामा भी लिखवा लिया। वही एडिशनल एसपी का कहना है कि पंचों के बारे में जानकारी की जा रही है, अगर इस तरह की कोई पंचायत हुई है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पंचायत होने के बाद तो जानकारी में आई है, लेकिन पंचायत का क्या निर्णय है इसकी जानकारी नहीं हुई। पंचायत का जो भी निर्णय हो पुलिस के द्वारा विवेचना करने के बाद निश्चित रूप से, चूंकि घटना घटित हुई है, पीड़िता का बयान अंकित कराया जा चुका है, आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। तो पंचायत द्वारा किसी प्रकार के गलत आदेश दिया गया है, इस तरह की कार्रवाई की गई, पंचायत के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।